ये कहानी है दिल्ली के हैदरपुर गांव के रहने वाले मेहनती, ईमानदार और निष्ठावान हरि प्रसाद जी की। उम्र 62 साल, लेकिन जज्बा आज भी नौजवानों वाला ही है। हरि प्रसाद जी बहुत ही गरीब परिवार से आते हैं, आर्थिक रूप से कमजोर भी हैं, लेकिन इस गरीबी को उन्होंने कभी भी अपने बच्चों के भविष्य में बाधा नहीं बनने दी। पलम्बर का काम करके वो अपनी आजीविका कमाते हैं। 62 की उम्र में भले ही कितनी भी मुसीबत आई, मेहनत और ईमानदारी से ही अपने और अपने बच्चों को पाला। यही वजह है कि आस पड़ोस में इनके अच्छे व्यवहार और ईमानदारी के लिए इन्हें खूब सम्मान देते हैं। घर में पत्नी और 3 बेटे हैं। छोटे से परिवार को खुशहाली से चलाने के लिए हरि प्रसाद खूब मेहनत करते हैं। इनके 3 बेटे भी इनके साथ छोटे मोटे काम में हाथ बटाते हैं। अब हरि प्रसाद जी के उस सिया काल में हम जा रहे हैं जिसे सुनने के बाद रूह कांप जाए। ये साल 2001 का था। हरि प्रसाद जी भी उम्र के उस पड़ाव पर पहुंच चुके थे जहां हर किसी को कोई ना कोई छोटी बड़ी बीमारी अपने चपेट में ले ही लेती है, और जब पेशा पलम्बर और इलेक्ट्रीशियन का हो तो ये खुद ब खुद अंदाजा लगाया जा सकता है कि ये काम कितने भागदौड़ से भरा और कठिन होगा। ये काम वो काफी लंबे अरसे से करते आ रहे थे, लेकिन उस काम का भार धीरे धीरे उनके घुटने के दर्द के रूप में निकल रहा था। हरि प्रसाद जी परेशानी से गुजर जरूर रहे थे, लेकिन घर की जिम्मेदारी, बच्चों का भविष्य उन्हें रुकने नहीं दे रहा था। ट्रीटमेंट तो ये अम्बेडकर जो मैंने कराया था ऑपरेशन, वहाँ से कई साल मैंने दवाई खाई। ट्रीटमेंट के ऑपरेशन करने के बाद कितनी साल दवाई खाई मैडम, आराम नहीं हुआ मेरे को बिल्कुल भी। ये पैर जैसे मालिक से खड़ा होकर 2 मिनट बात नहीं कर सकता था, खड़ा नहीं हो पाता था कि कब मैं बैठ जाऊं, इतनी की बात नहीं हो पाती थी। वक्त गुजरता गया, शरीर ने साथ देना भी छोड़ दिया, पैरों का दर्द बढ़ने लगा। फिर एक दिन हरि प्रसाद जी की नींद खुली, लेकिन जगने के बावजूद उनके कमर से नीचे कोई भी अंग हिल नहीं पा रहा था। वो जड़ बने बिस्तर पर पड़े रहे। उनको अपनी कमर पर किसी अजीब से दबाव की स्थिति महसूस होती थी। वो ऐसा महसूस करते थे जैसे कोई चीज उनको हिलने या बेड से उठने से रोक रही है। हमारी घुटने से दर्द से बहुत परेशान था, उनकी हिम्मत नहीं होती थी काम करने की। उन्होंने अपना इलाज सरकारी अस्पताल में शुरू किया। डॉक्टर के मुताबिक उनकी नस दबी हुई थी। नौबत ये आ गई कि डॉक्टर ने एक नहीं 3-3 ऑपरेशन कर दिया। सोचिए, 3 ऑपरेशन, असहनीय दर्द और हाथ लगी निराशा ने किस कदर हरि प्रसाद जी को तोड़ दिया होगा। ऑपरेशन करा लिया, कुछ नहीं, नसों का दिक्कत है, नस दबी हुई है आपकी, बहुत दवाई खाई, कई साल दवाई खाई मैडम अम्बेडकर से, नहीं आराम हुआ। और एक्सरे हुआ, अल्ट्रासाउंड हुआ, MRI हुई, सब कुछ हुआ, लेकिन आराम नहीं मिला मेरे को। खराब सेहत के आगे हरि प्रसाद जी ने घुटने टेक दिए। कामकाज भी छूट चुका था। अब इलाज के लिए ना पॉकेट इजाजत दे रही थी, ना ही आंतरिक इच्छा। हंसता खेलता परिवार मुरझा गया था। इस बीच उन्होंने हकीम सुलेमान खान साहब का शो सेहत और जिंदगी अपनी पत्नी के साथ देखा। हकीम साहब मैं टीवी के माध्यम से जुड़ा, मैं टीवी देखता रहा, उसके माध्यम से जुड़ गया। हमारी घुटने से दर्द से बहुत परेशान था, मैं उनकी हिम्मत नहीं होती थी काम करने की, घुटने सूझ जाते थे मेरा। तो टीवी में प्रोग्राम देखता था डेली में, तो मेरी वाइफ ने बोला कि गोसिया मंगा के खा के देख लो एक बार। ऑनलाइन मैंने ऑर्डर किया, गोसिया मंगाया मैंने। अक्टूबर में इतना मेरी हिम्मत की बिना सहारे के मैं चल नहीं पाता था, मैं चला नहीं जाता था बिल्कुल। लड़का का सहारा लेके मैं उठता था, बैठता था, शौचालय जाता था। वो दवाई खाया मैंने, 20 नंबर से खाना शुरू किया। 23 का मेरा टिकट था, गांव गया। मालिक के बोल के जा बाबू जी, मेरे से काम नहीं हो पाएगा, मैं गाँव जाना। गाँव गया, हफ्ते भर में मेरे को बहुत आराम हुआ मैम, किसी के सहारे की जरूरत नहीं थी, उसे चला जाता था, चला आता था। 3-4 महीने में दवाई खाया, आराम हो गया। मेरी हिम्मत पड़ी कि मैं दिल्ली जाके दोबारा काम करूँगा, दोबारा वापस दिल्ली आया मैडम, काम कर रहा हूँ उसी मालिक के पास। गोसिया का अभी भी इस्तेमाल करता हूँ, एक डब्बा भी ले गया था मैडम पिछले हफ्ते। आराम तो है, लेकिन फिर भी मैं सोचता हूँ कि डब्बा और खा लूँ मैं। और फिर जो हुआ वो शायद किसी चमत्कार से कम नहीं था। एक वो दिन था और एक आज का दिन है। हरि प्रसाद जी को उस घरेलू नुस्खे ने वो ताकत दी है कि अब वो किसी भी सहारे के उठने बैठने के साथ 2 सीढ़ियां भी आराम से चढ़ लेते हैं। उनके लिए ये किसी चमत्कार से कम नहीं है। अब हरि प्रसाद जी काम पर लौट चुके हैं, फुर्ती पहले से भी कई गुना ज्यादा है। मैं खुद घर में 3-3 मंजिल में चढ़ने में आधा घंटा लगता था, आने में आधा घंटा, जाने में लगता था, सीढ़ी पकड़ पकड़ के मैं उतरता था। आज वो दिन है मैडम कि बिना सहारे के मैं चढ़ सकता हूँ, उतर सकता हूँ, जितनी मर्जी बार जाऊँ।
अब किसी के सहारे की जरूरत नहीं मेरे को। हरी प्रसाद जी ने अब वो नुस्खा अपने उन रिश्तेदारों तक पहुंचा दिया है जो मुंबई और चंडीगढ़ में इलाज कराकर थक चुके हैं। अब रिश्तेदार भी नुस्खे के मुरीद हो चुके हैं। पुरछत्तर में मेरे भाई की बहू है, वो भी इस्तेमाल करती है। चंडीगढ़ में मेरी बहन है, वो भी इस्तेमाल करती है। बॉम्बे में मेरा भतीजा, वो भी इस्तेमाल करता है। घर में भी मेरे भाई भतीजे हैं, सबको मैंने बोल रखा, गांव में सबको बोल रखा, जिसको दर्द हो, कोई दिक्कत हो तो हकीम जी से बात करके अपना दवाई मंगा सके। अब हरिप्रसाद जी काम पर लौट चुके हैं, फुर्ती पहले से कई गुना ज्यादा है। हरिप्रसाद जी सच में एक मिसाल है जिन्होंने हिम्मत नहीं हारी, अपने दृढ़ संकल्प और विश्वास से खुद को फिर से ठीक कर लिया। आइए सुनाते हैं घरेलू इलाज और हकीम सुलेमान खान साहब को लेकर उनका क्या कुछ कहना है। उनकी तो लंबी उम्र की मैं दुआ मांगता हूँ हकीम जी की। हमारे लिए तो जीवन दान दिया हकीम जी ने। हाँ, उनके नुक्ते, हर एक नुक्ते जैसे उसके तरह जादुई छड़ी की तरह काम करते हैं।